हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पागल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की, जो कल रिलीज होने जा रही है। सेंसर बोर्ड ने इसको काफ़ी सीन इस पे हटाए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सीन गंगूबाई काठियावाड़ी पे सेंसर बोर्ड ने जिन पर कैची चलाई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने संजय लीला भंसारी की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब यह है कि अभी इसे सभी आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। आलिया भट्ट स्टारर यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसमें यह राहत देने वाली खबर आई है कि इसका प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है। 25 फरवरी को गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म के 4 सीन पर CBFC की कैची चली है और इसे हटाने के बाद ही गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्टिफिकेट दिया गया है। रिपोर्टों की माने तो CBFC ने एक गाली हटाई है। शिकायत में कहा गया है कि बिना दृश्य का विवरण 17 सेकंड के लंबे संवाद और ग्राफिक्स को हटा दिया गया है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी की बातचीत को दर्शाने वाला एक सीन भी बदल दिया गया है। दिवंगत प्रधानमंत्री के गंगूबाई के कंधे पर गुलाब का फूल रखने वाला दृश्य भी बदला गया है और 43 सेकंड का संवाद भी हटा दिया। निर्माताओं को अंग्रेजी और हिंदी में 5 सेकंड का डिस्क्लेमर डालने के लिए भी कहा गया है। वैसे संजय लीला भंसारी की फिल्मों का रिलीज डेट से पहले विवाद में फंसना आम बात हो गई है, पर आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी को तो चौतरफा फंस गई है। मूवी के सीन्स को लेकर कभी तूफान थमा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक संजय लीला भंसारी को फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दे दिया है। गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को दर्शकों के बीच आ रही है, ऐसे में एंड टाइम पर नाम बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। रिपोर्ट की माने तो कोर्ट में फिल्म के टाइटल को लेकर काफी आपत्ति दर्ज कराई गई है। अदालत में आज यानी कि 25 फरवरी को इस पर फाइनल सुनवाई होगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। भंसाली के वकील ने कहा है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता का पक्ष रखेंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या भंसाली नाम बदलने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले भी विवाद के चलते उन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला और पद्मावत सहित अपनी फिल्मों के शीर्षक बदले हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी कल सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए गंगूबाई काठियावाड़ी का दूसरा नाम क्या हो सकता है। क्या संजय लीला भंसारी अपनी पिक्चर का नाम बदलेंगे या नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा।